नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए शनिवार शाम चुनाव प्रचार समाप्त हो गया है, लेकिन इससे पहले आज दिन भर चौथे चरण की 71 सीटों पर जीत के लिए सभी राजनीतिक दलों ने जमकर चुनाव प्रचार किया। बड़े नेताओं का जमावड़ा खासकर उत्तर प्रदेश में रहा, जिसकी 13 सीटों पर 29 अप्रैल को वोटिंग होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कन्नौज, हरदोई और सीतापुर में जनसभाएं की, तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी रायबरेली और अमेठी में थे। प्रियंका गांधी ने बाराबंकी और उन्नाव में रैली की। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पत्नी और कन्नौज से उम्मीदवार डिंपल यादव के लिए उनके समर्थन में रोड शो किया। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए शनिवार शाम चुनाव प्रचार समाप्त हो गया, लेकिन इससे पहले आज दिन भर चौथे चरण की 71 सीटों पर जीत के लिए सभी राजनीतिक दलों ने जमकर चुनाव प्रचार किया। बड़े नेताओं का जमावड़ा खासकर उत्तर प्रदेश में रहा, जिसकी 13 सीटों पर 29 अप्रैल को वोटिंग होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कन्नौज, हरदोई और सीतापुर में जनसभाएं की, तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी रायबरेली और अमेठी में थे। प्रियंका गांधी ने बाराबंकी और उन्नाव में रैली की। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पत्नी और कन्नौज से उम्मीदवार डिंपल यादव के समर्थन में रोड शो किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को उत्तर प्रदेश के 3 लोकसभा क्षेत्र में चुनावी रैली की। कन्नौज में मोदी ने कहा कि बीजेपी की ओर से ये चुनाव वो सभी लोग लड़ रहे हैं जिन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचा है। ये कहते हुए पीएम मोदी ने गठबंधन की आलोचना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि महामिलावटी लोग सारी कोशिशें कर लो, लेकिन आएगा तो मोदी ही। नरेंद्र मोदी ने 3 बार ये जनता से नारा लगवाया कि आएगा तो मोदी ही। कन्नौज से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव गठबंधन प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रही है और उनके सामने बीजेपी के सुब्रत पाठक हैं। भी एक मत होकर कह रहे हैं कि महा मिलावटी लोगों सारी कोशिश कर लो, लेकिन आएगा तो। वहीं सीतापुर में चुनाव अभियान को नई धार देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने सपा, बीएसपी, आरएलडी महागठबंधन और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रैली करने पहुंचे पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष के लोग एक दूसरे का मुंह तक देखना पसंद नहीं करते, ये साथ सरकार क्या बनाएंगे। आतंकवाद का मुद्दा उठाते हुए मोदी ने कहा कि सपा और बीएसपी सरकारें गांव के गुंडों को तो सीधा कर नहीं पाई, ये आतंकवादियों से कैसे निपटेंगे। वहीं कांग्रेस के लिए पीएम ने कहा कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर से सेना को हटाना चाहती है, वे देशद्रोह कानून को भी हटाना चाहती है। क्या ऐसी मानसिकता के लोग आतंकवाद, नक्सलवाद खत्म कर सकते हैं। तो विश्वास रखिए कि आपका ये आपकी उंगली जो कमल के बटन को दबाएगी ना, वो आतंकवादियों की नींद खराब कर देगी। आप जब कमल के सामने बटन दबाएंगे तब भ्रष्टाचारी कांपने लग जाएंगे। आप जब कमल को वोट देंगे ना, तब आपका एक एक वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। वही कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी की संसदीय सीट रायबरेली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा। राहुल ने यहां चौकीदार चोर है के नारे भी लगवाए। राहुल ने कहा कि 70 साल में किसी भी प्रधानमंत्री ने नोटबंदी जैसी बेवकूफी नहीं की। राहुल ने कहा कि अगर नोटबंदी काला धन वापस लाने के लिए थी तो चोर लाइन में क्यों नहीं लगे थे, सारे ईमानदार लाइन में क्यों लगे थे, बेरोजगार और किसान लाइन में क्यों लगे थे, क्योंकि चौकीदार ने आपकी जेब से रुपया निकाल कर 15 चोरों को बांट दिए। राहुल का इशारा भगोड़े विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी की ओर था। राहुल ने आरोप लगाया कि रायबरेली, अमेठी और कांग्रेस ने जो भी कराना चाहा उसे मोदी सरकार ने रोक दिया। उन्होंने अमेठी में रेलवे लाइन को रोका, रायबरेली में रेलवे फैक्ट्री को रोका। राहुल ने कहा कि चौकीदार ने आपसे रोजगार भी,
चोरी कर लिया। नरेंद्र मोदी जी ने 5 साल हिंदुस्तान से झूठ बोला है, 5 साल झूठ बोला है। 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज यूपी का हर युवा जानता है, समझता है। अपने भाषणों में नरेंद्र मोदी 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात नहीं करते, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। राहुल की बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बाराबंकी में कांग्रेस उम्मीदवार के लिए वोट मांगे और मोदी सरकार पर निशाना साधा। जहाँ जहाँ आप देखो वहाँ पे उनकी तस्वीर लगी रहती है और आपको ये बताया जाता है कि बहुत विकास हो रहा है देश में, बहुत आगे बढ़ रहा है देश, इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि इससे पहले कुछ हुआ ही नहीं देश में। तो एक तरफ असलियत है और एक तरफ प्रचार है। ऐसे में साफ है कि सभी राजनीतिक दलों द्वारा जनता को लुभाने के हर संभव प्रयत्न हो रहे हैं। अब 23 मई को आने वाले चुनावी नतीजे ही बताएंगे कि जनता ने किस पर विश्वास किया है। ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, तो 2019 लोकसभा चुनाव के 4th चरण के लिए मतदान होना है। चुनाव प्रचार अब थम गया है, 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे और इसके लिए आज तमाम राजनीतिक दलों ने मशक्कत की, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, दौरे पे दौरे हुए, लेकिन इन दौरों का फायदा किसको मिलेगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान मौजूद है, उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। अनिता अग्रवाल हमारे साथ है, बीजेपी की प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है अनिता जी आपका। साथ ही हमारे साथ केसी जैन जी हैं जो कि सपा के नेता है। केसी जैन साहब बहुत स्वागत है आपका। अनुज आत्रे कांग्रेस के नेता बहुत जल्द हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पे मौजूद है डॉक्टर सुनील कौशिक जी, बहुत स्वागत है आपका भी। चूंकि आज चुनाव प्रचार 4th चरण का थम गया है, सबसे पहला सवाल मेरा यहाँ पर अनिता जी आपसे है। 2014 लोकसभा चुनाव की अगर मैं बात करूँ तो बीजेपी ने विपक्ष को उखाड़ फेंका था। 71 सीटों पर जो चुनाव होने वाले हैं 4th चरण के लिए, उसमें अगर एनडीए के पास 2014 की मैं बात करूं तो 56 सीटें थी, बीजेपी के पास एक अकेले बीजेपी के पास 45 सीटें थी। इस बार क्योंकि स्थिति अलग है, क्या लगता है कि इन सीटों पर कब्जा करना कितनी बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए, अब जबकि विपक्ष एकजुट हो चुका है सिर्फ मोदी से लड़ने के लिए? नेहा जी देखिए, ये चुनौती कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि हम जैसे पहले सीटों पे हमारी उसके ज्यादा आएंगे, 14 से ज्यादा सुनामी इस बार है। और गठबंधन जो हुआ है ये अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हुआ है, स्वार्थ के लिए हुआ है। जनता अच्छे से समझती है कि केंद्र में जाके ये गठबंधन केवल एक सौदेबाजी ही करेगा। तो जनता और हमने काम किया है, हमने अंत्योदय तक जो सबसे पिछड़ी व्यक्ति खड़ा उसके तक हमने काम किया है। हमने गरीबों को अपने आवास की योजनाएं दी हैं, हमने आयुष्मान भारत की योजना दी है, हमने शौचालय की व्यवस्था की है, हमने सौभाग्य की व्यवस्था की है, हमने उज्ज्वला की व्यवस्था की है, हमने जनधन योजना की व्यवस्था की है, हमने किसानों को 2000 रुपए पर महीने की व्यवस्था की है। हमने मतलब इतने हमने काम किया है, तो काम के आधार पर हम आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है देश की सुरक्षा, देश की सुरक्षा इस समय सबसे जरूरी है। और देश सुरक्षित हाथों में है ये जनता जानती है। पहले एक भय रहता था कि अरे कोई ब्रीफकेस ना उठाए, कोई अटैची ना उठाए, इसमें लवारिस चीजों को ना उठाए, तो आज देखिए वो भय खत्म होके क्या आ गया। आज स्वच्छ पे ध्यान दीजिए, स्वच्छता पे ध्यान दीजिए, स्वच्छता आज वो लोगो ही चेंज हो गया है। जो पहले एक आतंकवाद का भय रहता था वो खत्म होके एक स्वच्छता कि हमसे आगे कोई निकल रहा है, लेकिन जो वास्तविकताएं हैं उनको भी कहीं ना कहीं जो है स्वीकार तो करना ही पड़ता है। तो भारतीय जनता पार्टी तो वो भी नहीं करना चाहती है। वास्तविकता और ये है कि इतनी योजनाएं इन्होंने चलाई है, उनका असर जनता पर पड़ेगा। जैसा कि आप सुन रहे थे अग्रवाल जी को, अनिता जी को, वो कह रही है तमाम तरह की योजनाएं चलाई है, आज महागठबंधन का कोई असर नहीं है जनता पर। नहीं नेहा जी देखिए, जो समाजवादी पार्टी बीएसपी का गठबंधन है उसको पानी पी करके अगर कोस रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, क्यों उनको कोसना पड़ रहा है?
उनको सामने अगर कोई दिखाई दे रहा लड़ाई में तो ये गठबंधन ही उत्तर प्रदेश में क्यों दिखाई दे रहा है। पानी पी कर तो आप सर आप लोग भी कोसते थे मायावती को, पानी पी कर तो आप लोग भी कोसते थे मायावती को, लेकिन आपने भी तो नेहा जी मेरा जवाब आ जाने दीजिए, आपसे निवेदन है मेरा जवाब आ जाए बस मैं एक मिनट लूंगा। जवाब दीजिए। जी जी जी, तो देखिए ये कहने की बात अलग है, लेकिन ये रिपोर्टें भी आ रही है और जो तमाम सारे मंथन हुए चुनाव में, जो लोग पत्रकार लोग भी गए हैं और भी जो चीजें, उससे सामने दिखाई दे रहा है कि गठबंधन में किस प्रकार से गठबंधन बढ़त में है। गठबंधन 50+ सीटें लेकर के आ रहा है, ये बिल्कुल स्पष्ट है, और ऐसे में भयाक्रांत है भारतीय जनता पार्टी। आप देखिए इन्होंने सीटों में किस प्रकार से बदलाव किया है, अपने जो सांसद है उनको बेटे को माँ की सीट दे दी और माँ को बेटे की सीट दे दी, ये बदलाव क्यों? तमाम सारे लोगों के टिकट काट दिए, क्यों टिकट काट दिए? प्लीज सुन लीजिए, टिकट भी काट दिए, क्यों टिकट काट दिए? वो लोग हार रहे थे तो इसलिए उनको, चूंकि जनता के बीच में काम तो किया नहीं सांसदों ने इनके, और जो सांसद थे इनके एक एक गांव जो गोद लिए थे, क्या वो गांव गोद से उतरा? क्या उस गांव का विकास हुआ? अगर विकास हुआ तो क्या दूसरा गांव गोद लिया? तो कहीं पे कोई चीज नहीं दिखाई दी। वो चाहे आप देखिए जिसको ये कहते थे कि बाहर से पैसा लेकर के आएंगे, पैसा लाने के बजाय इस बैंकों में पैसा बढ़ा, लगातार पैसा बढ़ा, ये भी तो जनता को दिखाई दे रहा है। कहा नोटबंदी के बाद कोई हमला नहीं होगा, आतंकवादी तस्त हो जाएंगे, हमारे लगातार जवान मरते रहे, कभी 40 जवान मरे, कभी 10 मरे, कभी 5 मरे। अनुज अत्रे जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं डिबेट में, कांग्रेस के नेता हैं। ठीक है, बहुत स्वागत है अनुज जी भी आपका। यहाँ पर नरेंद्र मोदी सीतापुर में रैली करते हैं और तमाम जगह जाते हैं, लेकिन वहां पर सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और महागठबंधन पर निशाना साधते हैं। उन्होंने कहा कि मिलावटी लोग कितनी भी कोशिश कर ले, आएगा तो मोदी ही, किस तरह से देखते हैं? देखिए मोदी जी की बात पे अब लोग कितना, देश की जनता उनकी बातों को ध्यान देती है, वो उस बात को वो भी स्वीकार कर रहे हैं। आए दिन जो है, अभी तक तो ये होता था कि 5 साल इन्होंने झूठ बोल करके बताया। देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो अपने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए लगातार देश की जनता के सामने झूठ बोला, और अब देखिए किस प्रकार से अपनी बातों से पलट जाते हैं। अभी तक ये महागठबंधन को जो है, देश के जितने भी गठबंधन विपक्षी दलों के गठबंधन को महामिलावट का नाम देते आए थे, लेकिन अभी 2 दिन पहले ही एक इनसे वहां पर एक प्राइवेट चैनल ने एक इनसे इंटरव्यू किया है काशी में, जब अपना नामांकन करने गए थे, जब उन्होंने पूछा कि आप तो विपक्षी दलों के गठबंधन को जो है महामिलावट कहते हैं, और आप 40 दलों के साथ आप गठबंधन करते हैं, वो क्या है? आप पीडीपी के साथ आपने किया तो वो क्या था? उन्होंने स्वीकार किया, हाँ निश्चित तौर पर हमने भी महामिलावट किया था। तो अब आप खुद ही स्वीकार कर रहे हैं, देखिए हम लोग तो नहीं कहते, हमारे हम तो घटक दलों को अपने गठबंधन के साथियों को सम्मान पूर्वक कहते हैं हमारे घटक दल। जब आप लोग गठबंधन करते हैं तो वो महामिलावट होती है, जब खुद प्रधानमंत्री कह देते हैं कि हाँ हमने महामिलावट की, तो आप दूसरों पे किस तरह से आरोप लगाते हैं? जब आप महामिलावट कर सकते हैं तो दूसरे भी कर सकते हैं, फिर आपको आपत्ति क्यों? हाँ नेहा जी, मैं आपको जवाब देना चाह रही हूँ। देखिए हमारा एनडीए के जो बना था गठबंधन, वो अटल जी के समय पे बना था, हम उसका पूरी तरीके से निर्वाह कर रहे हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि 2014 में, मैं अभी हाल फिलहाल की मैडम बात कर रही हूँ, पहले आप सुन लीजिए, पहले सवाल सुन लीजिए। मैं तो पीडीपी के साथ हुए गठबंधन की बात कर रही हूँ, जो आपने जम्मू कश्मीर में किया था, उस गठबंधन की मैं बात कर रही हूँ। अटल जी के जो अटल जी के समय में जो गठबंधन हुआ था उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो हाल फिलहाल के गठबंधन की बात कर रही हूँ जो पीडीपी के साथ हुआ था। मैं आपको पूरी सिचुएशन बता रही हूँ, नहीं वो महामिलावट नहीं है क्या? नहीं, 14 को पहले कोई महामिलावट नहीं, पहले सुनिए, 2014 में हमारा पूर्ण बहुमत से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी थी, लेकिन हमने उसका निर्वाह किया। ये हमारी मर्यादा है, हमारे संस्कार है, संस्कृति है, इनके ऐसा गठबंधन ही आज हुआ कल छूट जाएगा। हमने उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी बात है इनका गठबंधन है, जेडीयू के साथ आपका गठबंधन था, 17 साल पुराना गठबंधन आपने तोड़ दिया था, बिल्कुल उसके बाद फिर हो गया। नेहा जी इनका राजनीति, मान लीजिए ये सत्ता की मलाई खाने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां एक रहती है, आप मान लीजिए इस बात को, स्वीकार कर लीजिए, खत्म हो जाएगा अगर ये गठबंधन नहीं करेंगे। ये गठबंधन केवल अपनी सीटों को बचाने के लिए कर रहे हैं, और एमजी ने अपनी सीटों बचाने के लिए आपकी पार्टी, हमारा देखिए हमारी पार्टी जो हमारे विचारों से रहती है उसके साथ है, ऐसा नहीं कि विचारों से मतभेद होकर हमारे यहाँ जो हमारे विचारों को मान रहे हैं उसके साथ है, ऐसा नहीं कि आज इनका 23 मई को देखेगा गठबंधन टूट जाएगा। माया बहन जी स्वयं कहेंगे कि इनके वो ट्रांसफर, आपने कहा अटल जी के टाइम पे बनाए हुए गठबंधन को हम पूरे
श्रद्धा के साथ उसका निर्वाह कर रहे हैं। आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, आपने जेडीयू के साथ गठबंधन 17 साल पुराना आपका गठबंधन टूट गया था, फिर आप एक साथ आ जाते हैं, ये तो सत्ता की मलाई है मैडम, इसको स्वीकार कर लीजिए कि जो गठबंधन होते हैं वो दरअसल सत्ता की मलाई खाने के लिए होते हैं। जो हमारा गठबंधन था वो आज तक चल रहा है नेहा जी, आज तक वो गठबंधन चल रहा है जो हमारा उस समय था। कुछ बीच में मतभेद भले हो जाए लेकिन वही गठबंधन आज भी चल रहा है, हमारा गठबंधन नहीं टूटा अटल जी वाला, आज भी है। सबसे बड़ी बात है कि मर्यादा और संस्कार को लेकर हम लोग चलते हैं, हम लोग स्वार्थ के लिए नहीं चल रहे हैं, हम लोग देश हित के लिए चल रहे हैं। ये लोग अपना अस्तित्व बचाने के लिए गठबंधन कर रहे हैं, इनका अपना अस्तित्व खतरे में है, इनको लग रहा है कि मोदी जी आ गए तो हम लोग का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इनको पता है सुनामी है। अनीता जी मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलती हूं, सुनामी है। अनीता जी थोड़ा पीछे चलिए, 1977 की बात करिए जब अटल बिहारी वाजपेयी ने गठबंधन से महामिलावट से सरकार बनाई थी। 1998 की बात करिए, देख आवाज नहीं आ रही, हेलो जी, उस समय की बात करिए जब अटल बिहारी वाजपेयी ने गठबंधन से सरकार बनाई थी, महामिलावट से सरकार में बिल्कुल लेकिन वो अटल जी की महामिलावट नहीं थी क्या 1998 वाली? नहीं नहीं, महामिलावट तब से जब 13 दिन में टूटा था, महामिलावट तब से जब एक वोट के अंदर इन्होंने सरकार गिराई थी, वो महामिलावट जी जब आपकी दाल नहीं गली जो उन्होंने गठबंधन टूट गया, सरकार चलाई है महामिलावट सत्ता की मलाई खाने के लिए तो परेशान थी बीजेपी, सत्ता की मलाई खाने के लिए परेशान थी बीजेपी जी। नहीं मैंने क्या कहा नेहा जी, महामिलावट के लिए एक वोट के लिए सरकार टूटी वो महामिलावट थी, 13 दिन में सरकार हटी थी वो महामिलावट थी, लेकिन 5 साल के लिए जब सरकार चली है तो सहयोग की सरकार थी ना कि महामिलावट की। महामिलावट की सरकार थी अटल जी के समय जो एक वोट पे गई, जो 13 दिन पे गई वो महामिलावट थी। यही लेकिन दिक्कत है, ये विडंबना है देश की राजनीतिक पार्टियों के, मानने के लिए तैयार नहीं होती है कि हां हम भी महामिलावट कर रहे हैं। आज है देखिए, दूसरे पे आरोप लगाना बहुत आसान है लेकिन जब अपने गिरेबान में इंसान झांकता है तब उसे पता चलता है कि क्या दरअसल सच्चाई है। ठीक है, नहीं है, ठीक है, वही गठबंधन। ठीक है अनीता जी, आपने अपनी बात रख ली, हमने सुन ली। सुनील जी, डॉक्टर सुनील कौशिक हमारे साथ हैं। सुनील जी आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि आपने तमाम राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं सुन ली है, उसके बाद आपका रिएक्शन। देखो नेहा, हमारे देश के हर राजनीतिक दल की ये मजबूरी है, कुछ मजबूरी ये होती है कि हम सत्ता में बने रहें, कुछ दलों की मजबूरी होती है हम सत्ता में कैसे आए। ये गठबंधन होता रहा है और होता रहेगा, तमाम स्वीकार करना चाहिए कि हाँ, तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी नीतियों को छोड़ करके, अपने आदर्शों को छोड़ करके आउट ऑफ लिमिट जा करके गठबंधन किए हैं, जिनसे कभी सोच न मिलती हो, जिनसे कभी मीटिंगें न हुई हो, जिन्होंने कभी एक देश के लिए एक नीति न बनाई हो, वो भी गठबंधन के हिस्से में आए हैं और उन्होंने सरकारें बनाई हैं, चाहे बीजेपी हो और चाहे कांग्रेस हो। बिल्कुल, वर्तमान में चाहे जम्मू कश्मीर के मामले को लेके देखोगे तो बीजेपी ने आउट ऑफ लिमिट जाके गठबंधन किया, जो कभी सोच भी नहीं सकता था कि पीडीपी से बीजेपी कभी गठबंधन कर सकती है। अभी उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए कि सपा और बसपा कभी एक मंच पे आ सकती है, कभी नहीं सोचा होगा, 24 साल बाद एक मंच पे आ गई। बिहार का देख लीजिए क्या हुआ, तमिलनाडु का देखिए, तमिलनाडु के अलावा कर्नाटक का देखिए कि कांग्रेस की सरकार रहते हुए जिस राजनीतिक दल पर राजीव गांधी की हत्या के आरोप लगे, उस राजनीतिक दल के साथ कांग्रेस ने मिलकर क्या किया, ये सारा देश जानता है। तो ऐसा नहीं है, सारे राजनीतिक दलों की कहीं ना कहीं ये मजबूरी रहती है कि हम सत्ता में कैसे बने रहें, सो सत्ता में रहते हैं वो जो रहते हैं कि हम सत्ता में रहें तो किस तरीके से हम ऐसा महागठबंधन बनाएं। जातिगत मामलों को लेकर के देख लीजिए, धर्म को लेकर के देख लीजिए, आप देखिए 2019 के चुनाव में आउट ऑफ लिमिट जाकर के लोग भाषण दे रहे हैं, कुछ भी, चाहे चुनाव आयोग कितनी भी रोक लगाए लेकिन फिर भी रोक लगने का नाम नहीं ले रही है। कहते क्या होगा, 72 घंटे का, 50 घंटे का रोक लग जाएगी, FIR हो जाएगी, FIR में होगा क्या, ये एक पार्टी के गौतम गंभीर पे आज ही FIR। मैं वही कह रहा हूँ, ये पार्टी के, मेरी परसों बात हुई तो एक बहुत गद्दावर नेता पार्टी के ने कहा क्या होगा, जेल थोड़े जा रहे हैं, जेल आ जाएंगे तो बाहर आ जाएंगे, लेकिन चुनाव 5 साल बाद आएगा। ये दरअसल वो नेता है, दरअसल वो राजनीतिक पार्टी है जो की कानून को, जो कि संविधान को ठेंगा दिखाती है और दरअसल अपनी बातों को ऊपर रखती है और ये मानने को भी तैयार नहीं होते कि हाँ हमने गलती की है। ये इस देश की विडंबना है। आज हम बात कर रहे हैं दरअसल
लोकसभा चुनावों की, लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए चुनाव प्रचार पूरी तरह से थम गया है और चौथे चरण में 71 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। इस 71 लोकसभा सीटों पर जो चुनाव होने वाले हैं उसमें बीजेपी की साख दांव पर लगी हुई है। कांग्रेस के लिए भी एक बड़ी चुनौती है किस तरह से वो इस चुनाव में जीत हासिल करके केंद्र की सत्ता में शामिल हो या केंद्र की सत्ता तक पहुंचे कहते हैं, क्योंकि 13 सीटों पर उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव होने वाला है जो बेहद अहम है, और कहते हैं कि अगर केंद्र तक पहुंचना है तो उसका जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से ही होके निकलता है। तो उत्तर प्रदेश की सीटें, बिहार की सीटें, महाराष्ट्र की सीटें, राजस्थान की सीटें बहुत अहम मानी जा रही है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है। अनुज जी, आपसे मेरा एक सवाल है, क्या माना जाए, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये आज रैली में कहा है कि महामिलावट चाहे कितने कोशिशें कर लें, आएगा तो मोदी ही, क्या इसे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कहा जा सकता? देखिए, निश्चित तौर पे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, ये एक अहंकार कहा जा रहा है। ये एक अहंकार झलक रहा है जो प्रधानमंत्री मोदी जी के जो मुंह से देश की जनता लगातार सुनती जा रही है, देखती जा रही है। और ये याद रखना पड़ेगा, अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा था तो इनका कहां टिकेगा। ये अति अहंकार में जो है किस प्रकार से अपना जो चुनाव ये अपना जो देश की जनता के सामने लड़ने जा रहे हैं, ये उसी प्रकार से ही अब इनका जो 2014 में, आज उसकी बात नहीं करते हैं जो 2014 में देश की जनता से वायदे किए थे कि उन वायदों में कितना पूरा हुई। ये चुनाव प्रॉमिसेस वर्सेस परफॉर्मेंस का होने जा रहा है, लेकिन परफॉर्म कितना किया उसका नहीं बताएंगे। जो वायदे किए वो वायदे ही रह गए, वो वायदों को इन्होंने जुमले में परिवर्तित कर दिया, खुद स्वीकार किया। प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं कि मैंने नहीं कहा था कि मैं वायदे पूरे करूंगा, अभी 15 दिन पहले इंटरव्यू देकर के बोला इन्होंने। तो ये कहीं ना कहीं झूठ भी बोलते हैं तो एक बात का मैं इनकी कहूंगा कि ये सच से इन्होंने स्वीकार भी करना पड़ गया इनको कि इन्होंने वायदे नहीं पूरे किए। अब आज देश का हालात क्या है, आज ये महामिलावट करते हैं, सबसे ज्यादा महामिलावट तो अब ये बता दें, ये क्यों नहीं बताते हैं कि जो इनके घटक दल हैं जिनसे इन्होंने गठबंधन कर रखा है, देश में सबसे ज्यादा गठबंधन एनडीए ने कर रखा है, मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी ने कर रखा है, तो ये बता दें वो सारे महामिलावट है। अगर ये गठबंधन का नाम आज महामिलावट है तो पहले अपने आप को ये महामिलावट स्वीकार करें। अभी पीडीपी का आपने जिक्र किया, अभी मैंने आपको याद दिलाया था, मैं पूछना चाहता हूं कि देश में इन लोगों ने तो उन दलों के साथ गठबंधन किया है जो देश के सबसे ज्यादा देश में अलगाववाद की बात करते हैं। आज ये राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ा रहे हैं देश में, देश की जनता को राष्ट्रवाद सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो देश को बांटने का काम करते हैं उन दलों के साथ इन्होंने गठबंधन किया है। पीडीपी क्या वही थी? एक सवाल है जो देश को बांटने का काम करते हैं आपकी पार्टी के नेता, उनको कांग्रेस पार्टी के परिवार का बता देते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने का बयान मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी, जिन्होंने ये कहा है कि पटेल और नेहरू के साथ साथ जो जिन्ना थे वो भी कांग्रेस के परिवार के थे। अब बताइए इस बयान को कैसे लें? आप दूसरों पे आरोप लगा रहे हैं, आपकी पार्टी के जो नेता है वो आप पर ही सीधे उंगली उठवा रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है उनके बयान को हमें ठीक से समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। निश्चित तौर पे जो उन्होंने कहा हम उससे इत्तेफाक, कांग्रेस पार्टी उनसे इत्तेफाक नहीं रखती। इसमें क्या समझने वाली बात है सर? मेरे को बोलने दीजिए। बोलिए, अपनी बात रखिए। हम उनसे कांग्रेस पार्टी का वो बयान नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने जो जिन्ना का जो इतिहास बताया है, आजादी से पहले का इतिहास जो बताया है वो कांग्रेस की मूवमेंट के साथ इतिहास किसको नहीं पता सर? देखिए, निश्चित तौर पे सुन लीजिए, किसको नहीं पता? यही उन्होंने बोला कि इन्होंने भी कहीं ना कहीं देश को अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने भी लड़ाई लगी, लेकिन हम जिन्ना को स्वीकार नहीं करते। कांग्रेस पार्टी जिन्ना को स्वीकार नहीं करती। शत्रुघ्न सिन्हा जी ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुछ कहा नहीं जाता कि किस तरह के बयान देने, किस तरह के नहीं देने? निश्चित तौर पे उनसे जवाब तलब किया जाएगा, जवाब तलब किया भी जा रहा है। लेकिन मैं अभी अलगाववाद की बात कर रहा था कि अलगाववाद के साथ तो भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज्यादा नाता है, चाहे जम्मू कश्मीर में पीडीपी हो जो आतंकवादियों के साथ खड़ी होती है, आतंकवादियों के समर्थन में खड़ी होती है और देश के बंटवारे की बात खुलेआम करती है, उस पीडीपी के साथ इन्होंने गठबंधन करके सरकार चलाई, सत्ता की मलाई चाटी। आप उठा करके चले जाइए नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, जो अलग नागालैंड की बात करते हैं उनके साथ इनका गठबंधन है, जो अलग गोरखालैंड की बात करते हैं उनके साथ इनका गठबंधन है, जिन्होंने पंजाब में खालिस्तान की बात करी थी अकाली दल, जो पंजाब को बंटवारे की बात जिसने की थी उस अकाली दल के साथ इनका गठबंधन है। आप महाराष्ट्र में चले जाए, जो खाली मराठियों की बात करता है और देश से अलग उनको रखने की बात करता है उस शिवसेना के साथ इनका गठबंधन है। तो ये कौन अनीता जी, हम ये पूछना चाहते हैं ये कौन से महामिलावट और ये कौन सा सच्चा मिलावट? सीधे सीधे सवाल खड़े कर रहे हैं आत्रे जी। हाँ बताइए, हम क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं थी, सुना नहीं, आप जरा इनके सवाल बताइए क्या है जी। ये आपके गठबंधनों पर सवाल खड़े कर रहे हैं, इन्हीं के पार्टी के नेता ये कहते हैं कि नेहरू और पटेल के साथ साथ जिन्ना भी कांग्रेस परिवार के ही थे, उसके बाद ये कह रहे हैं कि आपकी जो पार्टी की तरफ से जो गठबंधन हो रहे हैं वो बेहद खराब है, दूसरों पर ही मिलावटखोर का आरोप लगाते हैं, लेकिन ये खुद मिलावटखोर की पार्टी है।
देखिए हमारा गठबंधन है जनता के साथ, इनका गठबंधन है ठगबंधन। मैंने पहले बोला एक इनकी है बंदूक की सरकार, एक है संदूक की पार्टी, एक बंदूक पार्टी, एक संदूक पार्टी और तीसरी घोटाले की पार्टी, ये जनता अच्छे से जानती है। अभी देखिए हम मध्य प्रदेश में सरकार बने 2-3 महीने नहीं हुए, 10 करोड़ का घोटाला सामने आ गया, 300 करोड़ का घोटाला सामने आ गया। तो ये अब सरकार तो कर लीजिए 10 करोड़ का है या 300 करोड़ का है, झूठ बोलने की भी एक सीमा होती है ना, झूठ बोलते बोलते इतना झूठ बोल जाते हैं कि आपको याद नहीं रहता कि कौन सा 10 करोड़ वाला सस्ता या 300 करोड़ वाला सस्ता। लेकिन लेकिन आप अपने प्रश्न से जो आपसे प्रश्न पूछा गया उसका उत्तर नहीं देंगे। आप ये बताएं जो देश में बंटवारे की जो राजनीति करते हैं जो राजनीतिक दल, आपने उनके साथ क्यों मिलावट कर दी, आप उनके रंग में क्यों मिल गए? आप मिलावट का नाम देते हैं लेकिन आप तो उनके रंग में मिल गए। जो दक्षिण से लेकर पूर्व तक और उत्तर से लेकर पश्चिम तक आपको उन घटक दलों के साथ आपने गठबंधन मिलावट कर रखा है जो देश को बांटने का काम करते हैं। हमने तो किसी ऐसे दल के साथ झूठ से मुझे एक बयान और याद आ गया यहाँ पर, आलू से सोना बनाने वाला। लेकिन उसको मोर तोड़ के पेश किया गया, आलू से सोना बनाने वाला बयान जो है अगर आप उसको पूरा चलाए नहीं, अभी आप तो पत्रकार हैं, आपने पूरी बात सुनी होगी, राहुल जी का जो है पूरा इंटरव्यू सुना होगा उन्होंने, उन्होंने मोदी जी के परिप्रेक्ष्य में बोला था, एक मोदी जी का उदाहरण देते हुए कहा था कि मोदी जी ने ऐसे कहा था कि मैं एक ऐसा देश में माहौल पैदा करूंगा कि उधर से आलू डालो वहां से सोना निकलेगा। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के चहेते लोगों ने उसका मोदी जी का नाम काट के और केवल वो लाइन चला दी कि देखिए राहुल गांधी बोलते हैं, लेकिन हकीकत ये था कि अगर पूरी उनका इंटरव्यू चलाएंगे जो अपना भाषण दिया था ये हास्यपद नहीं है, आप बताइए। निश्चित तौर पे ये तो मोदी जी के ऊपर एक उपहास किया था, उनके ऊपर हास्यपद बात करी गई थी कि किस प्रकार से देश का प्रधानमंत्री ऐसी बात बोलता है कि आप देश में मैं ऐसा माहौल पैदा कर दूंगा कि वहाँ से आलू डालिए उधर से सोना निकलेगा, तो ये तो मोदी जी के लिए बात कही गई थी। लेकिन ये इनके 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 चुनिंदा भक्तों ने वो लाइन काट दी और बात की लाइन चला दी। केसी जैन जी, 302 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं, चौथे चरण में 71 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, महामिलावट महागठबंधन ये तमाम मुद्दे आप सुन रहे होंगे, कांग्रेस की तरफ से बीजेपी की तरफ से भी बोले जा रहे हैं, महागठबंधन अपने आप को कहां अब देख रहा है इन 3 चरणों के चुनाव के बाद? देखिए नेहा जी, इनके अंदर डर और भय व्याप्त है। हमारे जो समाजवादी पार्टी बीएसपी का और अन्य दलों के साथ जो गठबंधन है उससे बिल्कुल भय व्याप्त है, और जिसको ये कह रहे हैं कि ये लोग तमाम सारे दलों से गठबंधन कर रहे हैं, जब भारतीय जनता पार्टी स्वयं 40 प्लस पार्टियों के साथ गठबंधन कर रही है, उत्तर प्रदेश में ही 3-3, 4-4 पार्टियों से गठबंधन। सुन लीजिए, देखिए ऐसे डिबेटिंग आपको नहीं दिक्कत आपको बहुत होगी, झूठ सच आपको दिक्कत बहुत होगी। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के साथ आपका गठबंधन है या गठबंधन है ये बता दीजिए, वो कौन से अटल जी के जमाने से उत्तर प्रदेश का ही बता दीजिए। अरे उत्तर प्रदेश का ही बता दीजिए, ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी के साथ आपका क्या है, क्या है ओपी राजभर जी की पार्टी के साथ आपका? आप उनके साथ सरकार में हैं, गठबंधन में हैं, वो आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। सिर्फ स्वार्थ और लालच से सरकार बनाई कि ये दिखाएंगे कि हमारी इतनी प्रदेशों में हमारी सरकार है, और जहाँ पे इनके दो सांसद हैं वहाँ ये कहते हैं हमारी सरकार है। तो इन्होंने किस तरीके सरकार बनाई, गोवा में किस प्रकार से अन्य दलों के वहाँ पे सीटें ज्यादा थी, कैसे जो है अपनी केंद्रीय सत्ता का दुरुपयोग करते हुए, राज्यपाल की शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए कैसे वहाँ पे सरकार बनाई इन्होंने, और कर्नाटक में क्या क्या नाटक हुआ सामने आई सारी चीजें। तो ये सत्ता के लोलुप पार्टी है, ये पीडीपी से भी गठबंधन कर सकते हैं, जिनको अलगाववादी कहते थे, सत्ता का लालच आपको नहीं है क्या? गठबंधन कर सकते, सत्ता का लालच आपको नहीं है क्या? ठीक है, माना बीजेपी को है, कांग्रेस को है, आपको नहीं है, आपको सत्ता का लालच नहीं है? नीरव मोदी जैन साहब सवाल सुन लीजिए सर, आपको सत्ता का लालच नहीं है? देश के वित्त मंत्री से मिल करके भागे? नहीं, बिल्कुल नहीं है। देखिए हम तो सेवा करने क्यों गठबंधन किया, और अकेले दम पे चुनाव लड़ते हैं आप, क्यों गठबंधन किया, क्यों गठबंधन किया अगर आपको सत्ता का लालच नहीं है? ये सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से सर, जिससे सवाल है मैं तो उसी से जवाब लूंगी सर, अपने आपसे मेरा सवाल है, आपसे ही जवाब लूंगी सर। गठबंधन आपने नहीं किया, आपको सत्ता का लालच नहीं है? मैं बता रहा हूँ ना, हाँ, देखिए गठबंधन इसलिए है देश के संविधान को बचाने के लिए। अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेज आकर के बाहर ये कहते हैं कि मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा है, तो क्या देश की संवैधानिक संस्थाएं सुरक्षित है? अगर सीबीआई के डायरेक्टर रातों रात जो है आपस में झगड़ा होता है, एक को हटा दिया जाता है, फिर दूसरे को हटा दिया जाता है, अगर जो चीजें कभी नहीं हुई, अगर इससे चीजें हो रही है, तो क्या संविधान सुरक्षित है?
तो आप देखिए न्यायपालिका में भी हस्तक्षेप है इनका, जब कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों को अलग अलग बांटा गया है। आपके पार्टी के नेता संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं, चुनाव आयोग के नियम कायदों की धज्जियां उड़ाते हैं, तब आप सवाल नहीं खड़े करते हैं? नियम कायदों की धज्जियां कौन उड़ा रहा है नेहा जी, आप देख रही हैं? नहीं नहीं, वो तो मैंने देखा है सर, वो तो मैंने देखा है, कार्रवाई करे जैन साहब, वो तो मैंने देखा है, और योगी जी लगा जैन साहब, वो तो मैंने देखा है। आजम खान ने, आजम खान ने क्या कहा था रामपुर में, कहने के ऊपर आजम खान ने क्या कहा था रामपुर में, वो प्रचार करने नहीं निकले, वो प्रचार करने नहीं निकले, उन पे रोक लगी, नहीं तो नहीं, अगर आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद भी उन्होंने, उसके बाद भी उन्होंने ऐसे बयान दिया था। देखिए आप समझना चाहिए सर, देखिए एक दूसरे पर आरोप लगाइए, लेकिन दरअसल अपने गिरेबान में भी झांक लीजिए कि आप क्या है, आप किस तरह से आरोप लगाते हैं दूसरों पर, कार्रवाई कर दी है, अपने अंदर भी झांक के देखना चाहिए। अरब रुपया लेकर के भागने वालों की मदद करने वाली पार्टी को जनता दोबारा नहीं चाहती है। ठीक है अत्रे साहब, अत्रे साहब ठीक है, अरबों अरब रुपया लेकर के भागे, ठीक है सर, ठीक है, आपकी पार्टी की सरकार रही है सर, मैंने देखा है शासनकाल, ऐसा नहीं है। मोदी विजय माल्या जैसे लोग, अत्रे साहब आपसे मेरा एक सवाल है, आज राहुल गांधी को ये याद आ जाता है कि अमेठी में और रायबरेली में इसलिए विकास, एक सेकंड, ठीक है ठीक है सर, ठीक है मैम, यूपी के गठबंधन में थे जिन्होंने लोन दिया, लोन देना पाप नहीं है, लोन देना गलत नहीं है, गारंटी के लोग भगाया आपने, पैसा लेकर के अपनी जेब में गर्म करके भगाया आपने, कहाँ पकड़ के लाए, कहाँ पकड़ करके लेके आए, किसी को पकड़ के लेके नहीं ला पाए, बल्कि लेके भाग गए, सिर्फ बैंक आप पैसा भी ला रहे थे, इतना झूठ बोलती भारतीय जनता पार्टी, ठीक है सिर्फ बैंक का पैसा लाएंगे, ठीक है ठीक है ठीक है, आदेश आपसे सवाल ले लेते हैं, देखिए ऐसे 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 तो वक्त खराब हो रहा है, ऐसे वक्त खराब हो रहा है, डिबेट को डिबेट की तरह करिए, ठीक है। आपसे मेरा अत्रे साहब सवाल है कि आज राहुल गांधी को ये याद आ जाता है कि अमेठी और रायबरेली में विकास इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि बीजेपी की जो सरकार है स्टेट में वो करने नहीं दे रही, केंद्र में जो सरकार है वो करने नहीं दे रही। भैया आप सांसद हैं और आज से थोड़ी ना है, चलिए 5 साल सरकार ने काम नहीं करने दिया, उससे पहले आप 2004 से वहां पर सांसद है, 2009 में बने, 2014 में बने, 2019 में भी आप वहां से प्रत्याशी है, तो आज आपको ये याद क्यों आ रहा है कि जो केंद्र की सरकार है, जो राज्य की सरकार है, वो अमेठी और रायबरेली का विकास नहीं होने दे रही है? देखिए निश्चित तौर से जब से राहुल जी सांसद बने हैं, ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा नेहा जी कि कहीं ना कहीं विपरीत नहीं, आप 5 साल में चाहते हैं कि वाराणसी क्योटो बन जाए, लेकिन वहां 20 साल हो गए, वहां का विकास नहीं होना। जवाब आने दीजिए, मेरा जवाब देने दीजिए, आपके जवाब का इंतजार करूं, आप बताइए। देखिए ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा, जब से राहुल जी सांसद बने हैं उत्तर प्रदेश में और हमारी कांग्रेस पार्टी की जो है कहीं ना कहीं विपरीत विचारधाराओं की सरकार रही है, हमारे को राज्य सरकार केंद्र में आपकी सरकार रही है सर, देखिए बोलिए वो सब चीजें जो चीज है, मैं जवाब, आप बताइए केंद्र में आपकी सरकार, केंद्र में 10 साल राज्य की सरकार, ठीक है अनिता जी जवाब देने दीजिए, मैं टोक रही हूँ उनको जहाँ जहाँ पे मुझे लगता है, ठीक है आपकी राजीव गांधी, देखिए मेरी आदत नहीं है अनिता जी किसी के बीच में बोलने की, तो राजीव गांधी, अरे आप मेरी आदत नहीं है बीच में बोलने की, थोड़ा सा हम सभ्यता से चाहते हैं गंगा में भी आऊंगी, थोड़ा गरिमापूर्ण तरीके से चर्चा, अविरल हुई है कितनी स्वच्छ हुई है, मैं उस पे भी आऊंगी क्योंकि वाराणसी में भी चुनाव है, हालांकि चौथे चरण में नहीं है लेकिन मैं आऊंगी, आऊंगी मैं उस पे भी आऊंगी, राजीव गांधी ने बोला था, ठीक है सुनने दीजिए आत्रे जी। देखिए मैंने वही बताया कि हमारी निश्चित तौर पे यूपीए की सरकार केंद्र की सरकार रही, लेकिन उन 10 सालों में जो है कहीं ना कहीं सपा और बसपा की सरकारें उत्तर प्रदेश में रही, और हम 2 सालों से भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है केंद्र की। देखिए किस प्रकार से जो जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ है, जो यूपीए की सरकार ने वहां पर प्रोजेक्ट चलाए थे उनको पास करवाया था, आते ही सबसे पहले स्मृति ईरानी जी ने जो चुनाव हारा 2014 में, आते ही अमेठी की जनता से बदला लिया, राहुल जी द्वारा जो पास करवाया हुआ मेगा फूड पार्क जो किसानों के लिए बनाया था उसको रद्द करवाया, मोदी जी की सरकार ने उसको रद्द किया, नहीं तो वहां से हजारों किसानों को उससे भला होने वाला था। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए खिसक रही है, कौन भाग रहा है, थोड़ा सुनने का धैर्य रखिए, ठीक है आप बोलिए अपनी बात, आपको अमेठी की जनता को जवाब देना पड़ेगा, अभी स्मृति ईरानी वहां चुनाव लड़ने पहुंची है, उनको जवाब देना पड़ रहा है वहां पर कि आखिर क्या कारण था कि ये जो मेगा फूड पार्क जिसका पैसा भी सैंक्शन हो गया था, यूपीए सरकार ने दे दिया था, जगह भी सब कुछ आवंटन हो गया था, वो क्यों रद्द कर दिया गया आते ही मोदी जी ने, क्या कारण था? कि केवल इसलिए कि स्मृति ईरानी को वहां से चुनाव हरा दिया गया था, आपने आप इस प्रकार का अमेठी की जनता से बदला लिया, और तमाम तरह की आपने जब से आए हैं वहां पर आपने कोई विकास का कार्य आप नहीं अमेठी में होने दे रहे, अमेठी में कोई विकास कार्य नहीं होने दे रहे, आप वहां ना सड़कें बनने दे रहे हैं, ना वहां पर गांव विकास कार्य
की आपने बात की, मैं आपको बता दूं कि जो भी हाल फिलहाल में फैक्ट्री लगी है AK-203 राइफल की, जो कि दुनिया भर में मुझे लगता है अगर ये इनका ये एक टेप चलती रहेगी अनीता अग्रवाल जी की, तो ऐसे कैसे चर्चा होगी मेरा जी। आप इन्हें अकेले बुला लिया कीजिए, हमें मत बुलाया कीजिए इनके सामने। देखिए देखिए अच्छा वक्ता वही होता है, दिल्ली में कोई काम किया ना अमेठी में काम, ठीक है अनीता जी। अरे आप भी मोदी बन गई हैं क्या, नरेंद्र मोदी बन गई हैं क्या आपकी, सुनने के आपके कान नहीं है या बोलने के लिए सिर्फ जबान दी है? ठीक है अनीता जी, भारतीय जनता पार्टी का मोदी बन गया हो गया है क्या, जो गंभीरता नहीं ला सकते। ठीक है अनीता जी, आऊंगी आपके पास, कोशिश कीजिए। देखिए अगर इस तरह से चिल्लाएंगे डिबेट नहीं होगी। अनीता जी, अनीता जी, एक सेकेंड आते जी। अनीता जी अगर शायद मैं चिल्लाऊंगी तो मेरे सामने और किसी की आवाज नहीं बहुत तेज आएगी, ठीक है, तो इसलिए इस डिबेट को डिबेट की तरह रहने दीजिए, चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। अगर आपको अपनी बात रखना है तो तरीके से रखिए। देखिए सुन लीजिए, मैं आपके ठीक है आप सब बोल रहे हैं, ठीक है, हमारा जवाब ही नहीं आ पा रहा है, ये लोग बीच में बोलते हैं। अरे नहीं अनीता जी, आपके पास भी आएंगे, आपको पूरा मौका देंगे, आप टेंशन मत लीजिए उस बात की, लेकिन जो बात कह रहे हैं उनको सुन लीजिए पहले, उसके बाद अपनी बात रखिएगा। आत्रेय जी देखिए अमेठी के विकास में तो सबसे बड़ी बाधा ये भारतीय जनता पार्टी शुरू से रही है, ये तो अमेठी की जनता से ऐसे बर्ताव करते हैं ना जाने जैसे वो अमेठी के ना हो, पाकिस्तान के लोग हो, भारत के ना हो, पाकिस्तान के लोग हो। दो साल से योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है, हम पूछना चाहते हैं बता दीजिए कि आपने वहां पे उत्तर प्रदेश की सरकार आखिर क्यों वहां पर सड़कों का काम नहीं होने दे रही, वहां पर जो है पेयजल की जो जितनी योजनाएं राहुल जी ने जो जितने भी सब पास करवाने, वहां पर गाँव की हालत क्या है, गाँव में खरंजे नहीं बन रहे, सड़कें नहीं बन रही, पानी नहीं है, विद्यालय नहीं बनने दे रहे, कोई शिक्षा का एजुकेशन का संस्थान नहीं खुलने दे रहे हैं आप। ठीक है, जो काम यूपीए की सरकार में हो गए लेकिन उसके बाद से तमाम प्रोजेक्ट्स पे आपने ब्रेक लगा दिया, हमें लेकर गए हैं वहाँ पे, लेकिन आप से फैक्ट्री नहीं लगी। ठीक है, आप ये कहते हैं कि वाराणसी जो है वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ, विकास काम नहीं हुआ, वहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 साल से सांसद है। अमेठी की अगर मैं बात करूँ, वहाँ 3 बार सांसद रह चुके हैं, 4थी बार प्रत्याशी है, 5 साल बनाम 15 साल, 15 साल में क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि केंद्र में राहुल गांधी की सरकार ना हो या फिर ये कहा जाए कि कांग्रेस की सरकार ना हो? इससे पहले UPA 1 रहा, UPA 2 रहा, आप खुद जानते हैं जब सांसद को काम करना है तो केंद्र में जब आपकी सरकार है फिर किस चीज की दिक्कत है, ये मुझे बताइए, तब क्यों नहीं काम हुआ? देखिए आपको मैं थोड़ा सा समझाना चाहूंगा, कहीं ना कहीं राज्य सरकार की भी आवश्यकता पड़ती है केंद्र सरकार को, अगर राज्य सरकार का उसमें सहयोग नहीं है तो आप प्रोजेक्ट केंद्र सरकार नहीं वहां पर प्रोजेक्ट लगा सकती, उससे पहले की सरकारें हमारे विरोध में नहीं है, विरोध में नहीं है, उन लोगों ने भी निश्चित तौर पर, अगर कांग्रेस की सरकार जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार देश में उत्तर प्रदेश में चल रही है, अगर कांग्रेस की सरकार जिन जिन प्रदेशों में थी और केंद्र में सरकार थी वहां का विकास देखिए, राहुल जी ने केवल साधारण सांसद होते हुए भी अमेठी के में बहुत विकास के काम करवाए हैं, लेकिन इन्होंने आते ही अमेठी की जनता से बदले की भावना लेते हुए तमाम प्रोजेक्ट वो रद्द कर दिए। आप ये बात कहेंगे कि आपको राज्य सरकार से समर्थन नहीं मिला पिछले 5 सालों में, इस सरकार की मैं बात नहीं कर रही, 2017 से पहले की बात करूं, तो ये बात बिल्कुल मतलब समझ से परे है। क्यों समझ है? देखिए हमारी सरकार नहीं थी, अरे सपा की सरकार थी, सपा की सरकार थी, सपा के साथ हमारा कोई वो तो 2 मिनट में कोई हमारा तालमेल नहीं था, निश्चित रूप से कोई नहीं, गठबंधन नहीं था, कोई बिल्कुल नहीं था, सपा का समर्थन नहीं था। देखिए लेकिन राज्य में हम लोग आज भी तो समर्थन है, राज्य में हमारे विरोध में तो समर्थन है, राज्य में आज भी तो समर्थन है, आज हमारी सरकार कहाँ है, आज किसकी सरकार है वहाँ पर, आज उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, केंद्र में मोदी जी की सरकार है, प्रत्याशी नहीं उतारे, कन्नौज में कांग्रेस ने प्रत्याशी नहीं उतारा, आज ये समर्थन वाली बात नहीं है, मुझे आज ये समर्थन, अगर ये समर्थन नहीं है तो देखिए क्या है? ये गठबंधन नहीं है, ये गठबंधन नहीं है, लेकिन के रूप में हमने 5-7 सीटें, उन्होंने हमारी 2 सीटें छोड़ी, आप इस बात को स्वीकार कर लीजिए, उसके बाद वो छोड़ी, लेकिन ये सरकारों के विषय की अगर हम बात करें तो सरकार कहां पे, सरकार के कामकाज की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार 5 सालों में मोदी जी की सरकार ने और 2 साल में योगी जी की सरकार ने बहुत बुरा बर्ताव किया अमेठी की जनता के साथ। आप इस बात को समझ रहे हो, जान रहे हो कि विकास पे जवाब नहीं देना, बाकी सब चीजों पे जवाब देना। नया जी यूरिया के लिए तरस गए थे अमेठी रायबरेली के लोग, यूरिया नहीं मिलता था लोगों को, ये इनकी सरकार थी, यूरिया तक नहीं मिलता था, ये कैसी बातें कर रहे, जाके अमेठी और रायबरेली के लोगों का दर्द देखिए, इनकी सरकार रही। देखिए अमेठी रायबरेली में तो लोगों को कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन आपकी जहाँ जहाँ सरकारें आई वहाँ निश्चित तौर पे यूरिया का और खाद घोटाला हुआ है, खाद घोटाला आपके नेताओं ने किया है, आपके सांसदों ने किया, आपके मुख्यमंत्रियों ने किया है, सुनील जी को सुन लेते हैं, टोटल घोटाला।
अरे 2G 3G तो आपने उनको बरी कर दिया, 2G 3G तो मनमोहन सिंह जी ने जेल भेजा उनको, 2G 3G में जो आरोपी थे, लेकिन आपकी सरकार ने तो उनको बाइज्जत बरी कर दिया। आपने कह दिया कोई घोटाला ही नहीं हुआ, आप ही ने आरोप लगाए, मनमोहन सिंह जी ने उनको जेल भेजा और आपने उनको बरी कर दिया। आप अपनी बताइए, आप कहाँ खड़े हैं? क्या आप मिल गए उन भ्रष्टाचारियों के साथ जो उनको आपने बरी करवा दिया? अभी यूरिया पे आ गए, 2G 3G पर आ गए। अरे एक जगह तो टिको, एक पे तो जवाब दीजिए आप। 30 किलो किसानों की तरफ से बोल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, आप ये बताइए किसानों किसान ट्राइबान कर रहा है, ये सौदेबाजी होनी है आगे जाके बीजेपी वर्सेज किसान ट्राइबान कर रहा है, आपको सौदेबाजी दिख रही है? ये यहाँ से गठबंधन करेंगे फिर कांग्रेस सौदेबाजी। अनीता जी, अनीता जी घूम रहे हैं, अनीता जी किसानों की बात कर रही है, सौदेबाजी की। ठीक है, चुनाव से ठीक पहले सुन लीजिए, भगवान से सौदेबाजी कर ली बीजेपी ने। एक सेकेंड, जैन साहब आओगे अपना, अनीता जी जनता बेवकूफ नहीं है, जनता बेवकूफ नहीं है, यही एक चीज है, मैं ये कहना चाह रही हूँ, जनता बेवकूफ नहीं है। चुनाव से एंड पहले 6,000 रुपए देने की घोषणा कर दी जाती है, जनता बेवकूफ मैडम बिल्कुल नहीं है, जनता सब समझती है। अगर किसानों के आपने इतनी भलाई, सुन लीजिए सवाल सुन लीजिए, आप सवाल सुन लीजिए पहले, आप सवाल सुनना पहले। अगर आपने किसानों की इतनी भलाई की, इतनी विदेशी है आपकी पार्टी, तो क्यों एंड पहले आप 6,000 रुपए देने की घोषणा करते हैं साल भर में? हमने उजड़ा की, हमने सौभाग्य की बिजली घर घर पहुँचाई, आपको डर सता रहा था, आप इस बात को मान लीजिए। काम किया है, काम के आधार पे आ रहे हैं, आपको डर सता रहा था, आपको डर सता रहा था मैडम, इस बात को मान लीजिए। यूरिया की बोरी का वजन कितना है आप बता दीजिए ना, इनकी प्रॉपर्टी देख लो मुलायम सिंह, कितना वजन था, कितना वजन? ठीक है, सुन लीजिए वरिष्ठ पत्रकार है, सुन लीजिए 25% वजन घटा दिया यूरिया का, सुन लीजिए जी, खाद छोड़ पार्टी है भाजपा, सुन लीजिए सर, किसी को गप दीजिए सर बोलने का, ठीक है, आएंगे मैडम आपके पास भी आएंगे। मैं आती नहीं की इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। अमेठी में यदि विकास नहीं हुआ है तो उसमें प्रदेश सरकार का योगदान है, प्रदेश सरकार का योगदान रहता है, बिल्कुल ये निश्चित रूप से सच है। लेकिन 10 साल आपकी UPA 1 और UPA 2 सरकार रही, तो जिन पार्टियों की सरकार उत्तर प्रदेश में थी उन पार्टियों का समर्थन केंद्र में आपको था। दूसरी बात, तमाम केंद्र की ऐसी योजनाएं होती हैं जहां यदि विकास नहीं हो रहा है तो केंद्र उन योजनाओं को रोक सकती है और प्रदेश सरकार पर दबाव बना सकती है कि हम पैसा जब रिलीज करेंगे जब वहां होगा। बिल्कुल यही चीज हम कह रहे हैं कि अगर हम ये नहीं कह रहे कि राज्य सरकार जाके वहां पे काम करे, हम कह रहे हैं जब सांसद आपके हैं तो आपका काम करना वहां पर फर्ज है, आपका कर्तव्य है, और अगर आप ये कहेंगे कि सपा ने काम नहीं करने दिया तो ये तो समझ से परे है, है कि नहीं सुनील जी? बिल्कुल सच बात है। और दूसरी बात यह है कि अमेठी का काशी से तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि काशी में हर महीने लाखों की संख्या में लोग आते हैं। बिल्कुल, काशी की व्यवस्थाएं और अमेठी की व्यवस्थाओं में बहुत अंतर है। अमेठी में कोई लोग बाहर के लोग नहीं आते, तो यदि काशी की जो मोदी जी ने जो वायदे किए थे कि क्यूटो सिटी बनाएंगे, अन्य तमाम योजनाएं लेकर के आएंगे, वो एक अलग व्यवस्था है, वहां धार्मिक नगरी है, लाखों लोगों की संख्या में लोग आते हैं, सभी धर्म जाति के लोग वहां आते हैं, विदेश से भी लोग आते हैं, तो वहां जितना विकास मोदी ने वहां सरकार से पहले 2014 में जब किया था तो वो करना चाहिए था, लेकिन जितना विकास होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है। लेकिन विपक्ष का भी ये आरोप गलत है कि वहां विकास नहीं हुआ है, विकास बहुत हुआ है, मेरे हिसाब से करीब 20-25 हजार करोड़ रुपया वहां लगाया गया है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो वायदे जो था वहां पे स्थिति वो करनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई है। दूसरी एक जातिगत आंकड़े वहां पूर्वांचल में लेंगे हम, 26 सीटें हैं, 26 सीटों पे कई जैसे ब्राह्मण ठाकुर बाहुल सीटें हैं, निषादों का वहां है, बनारस की बात करें तो करीब 3 लाख के आसपास वहां मुस्लिम है, 7 सीटें ऐसी हैं बनारस के आसपास जो बिहार में है वो वहां फर्क उनका असर पड़ता है, तो ऐसा नहीं है वहां पे। यदि मोदी जी वहां जाकर के जैसे 2014 में उन्होंने अंतिम समय में आपने नेहा जी देखा होगा कि पूरी ताकत झोंक दी थी, यदि वहां ताकत पूरी झोंकेंगे तो आसपास की पार्टियों में आसपास की सीटों पर भी प्रभाव पड़ेगा। और दूसरा कह रहे थे समाजवादी पार्टी के नेता कि सब दोनों सीटें बदल दी, पीलीभीत वहां चले गए, सुल्तानपुर की, ऐसी नहीं है। आजमगढ़ भी तो अखिलेश यादव जी गए हैं और मुलायम सिंह ने भी मैनपुरी दोबारा लौट के आए हैं, तो ऐसा नहीं है। राजनीतिक दल किसको कहां से लड़ाएगा, कहां कौन सी व्यवस्था है, कहां किनका विरोध है, ये सारी चीजें राजनीतिक दल देखते हैं। और चुनाव जब कोई भी व्यक्ति लड़ेगा वो पार्टी का चेहरा होता है, वो जनता का निर्णय है कि उसको जिताए या न जिताए, चेहरा बदलने से फर्क नहीं पड़ता कि चेहरा बदल दिया तो लोग वोट देने लगेंगे। माने यदि वहां चुनाव लड़ा है, वहां पुत्र ने चुनाव लड़ा है तो वो पुत्र ने भी वहां देखा है और माँ का भी देखा है वहां पर, ऐसी बात नहीं है।
लेकिन जो परिस्थितियां इस समय 2019 में बन रही हैं उनको महागठबंधन को भी देखना होगा और खुद को। और एक और चीज आप देखिए कि इस पूरे 2019 के इलेक्शन में कहीं सवर्णों की बात नहीं हुई। कोई वोट मांग रहा है मुसलमानों से, कोई वोट मांग रहा है दलितों से, कोई वोट मांग रहा है पिछड़ों से, अति पिछड़ा है पिछड़ा है, कोई दलित की बात कर रहा है, कोई मुसलमान की बात कर रहा है, लेकिन सवर्ण की कोई बात करने को तैयार नहीं है। और ये आंकड़े आप देखेंगे, मैं इसको दिखा दूं कि 2014 में यदि सवर्णों ने 31% कांग्रेस को वोट दिया था, वो 2009 में तो 11% बीजेपी को वोट दिया था, या 2014 की हम बात करेंगे तो ये उल्टा मामला हो गया, या 72% सवर्णों ने वोट दिया और 53% उन कांग्रेस को वोट दिया। तो ऐसा नहीं, फर्क तो पड़ेगा इस चीज का। आप उन दोनों पक्षों की बात कीजिए, दलितों की भी बात आप करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं, पछड़ों की बात करते हैं, सवर्णों की भी तो बात कीजिए, लेकिन सवर्ण वोटर नहीं है क्या? लेकिन आप उन वोटों को गुमराह कर सकते हैं जो बहुत अधिक पढ़े लिखे नहीं है, जिनको जानकारियां नहीं है, उनको भाषणों के माध्यम से राजनीतिक दल गुमराह करते हैं और वो वोट बैंक डाइवर्ट करने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल, यहाँ विकास से जुड़े हुए मुद्दों की बात नहीं होगी सुनील जी, यहाँ बात होगी मिलावटखोरों की, यहाँ बात होगी आलू सोने की, यहाँ बात होगी उन तमाम मुद्दों की जिनसे विकास का कोई लेना देना नहीं है। दरअसल दिक्कत यही है कि यहाँ जनता उम्मीद लगाए बैठी है कि कुछ विकास के कार्य होंगे, लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो आपस में ही लड़ने को आतुर है। उनको यही लगता है कि हम किसको कैसे बयानों के जरिए नीचा दिखा दें। ये बड़ी विडंबना आपके समय में जो कमेटियां बनती हैं 2-3 महीने पहले, वो सारे निर्णय देखती हैं कि पिछली बार हमको कितना वोट मिला था, किस जाति का वोट मिला, किस धर्म का हमको वोट मिला, वहां कौन सा प्रत्याशी होना चाहिए। और आपने देखा होगा कि अंतिम समय में भी प्रत्याशी भी फॉर्म नहीं मिलता तब तक बदल दिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे आंकड़े हैं और उनका बिल्कुल प्रभाव पड़ता है, जातिगत आधार पर भी वोट बैंक मिलता है। जातिगत आधार पर ही तो गठबंधन हो रहे हैं, इन गठबंधनों के क्या मायने हैं? ये जातिगत आधार पे ही गठबंधन है। वही मैं कह रहा हूँ कि जब तक ये चीजें नहीं टूटेंगी ना, ये चीजें, इन चीजों से हम बाहर नहीं निकलेंगे, तब तो विकास की बात होगी। बिल्कुल, लेकिन यदि विकास की हमें बात करनी है और जाति धर्म पे ही वोट पड़ना है तो कौन सा राजनीतिक दल विकास पे बात करना चाहेगा? वही एक बड़ी दिक्कत है, वही विडंबना है देश की कि विकास पे यहाँ बात नहीं होती, बाकी और तमाम मुद्दों पर बात होती है। बहरहाल, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम लोकतंत्र में जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर क्योंकि चौथे चरण का चुनाव है और चौथे चरण के चुनाव के लिए जो चुनाव प्रचार है वो पूरी तरह से थम चुका है। 9 राज्य की 71 सीटों पर वोटिंग होनी है और हम तमाम दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि आप भी घर से बाहर निकलिएगा, अपने मत का प्रयोग करेगा और वोट की चोट जरूर दीजिएगा। बहरहाल, इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।